काला हिरण शिकार केस में दोषी करार दिए गए सलमान खान को आज नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर कल आएगा फैसला। आज की रात फिर जेल में ही गुजारनी होगी। बीजेपी की फजीहत बन रही है दलित सांसदों की राह शिकायतें, पीएम को चिट्ठी लिखकर अब सांसद अशोक दोहरे ने दलितों ने पर झूठा मुकदमा किए जाने का लगाया योगी सरकार पर आरोप। रॉबर्ट्सगंज ने के दलित सांसद छोटेलाल ने भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सीएम के बाद पीएम से की गुहार। बजट सत्र का दूसरा चरण गया पानी में, पूरे सत्र में हंगामे की वजह से एक भी दिन नहीं हो सकी कार्रवाई, अनिश्चितकाल तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। बीजेपी का 38वें स्थापना दिवस पर आज पीएम मोदी करेंगे देशभर के कार्यकर्ताओं से संवाद, नमो ऐप के जरिए हजारों बूथ कार्यकर्ताओं सहित 734 बीजेपी जिला अध्यक्षों से करेंगे सीधा संवाद। 6 अप्रैल साल 1984 को रखी गई थी बीजेपी की नींव। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी दिखाएगी शिवसेना को ताकत, अध्यक्ष अमित शाह मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में करेंगे रैली। 2019 के आम चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का होगा आगाज, तो यूपी में होगा जनता से सीधा संवाद। यूपी में फिर स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरों ने किया शर्मसार, बीमार मां का इलाज करवाने गया बेटा, हाथ में यूरिन बैग और कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे एम्बुलेंस का करता रहा इंतजार।